बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उकदतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अच्छा जी, आज जरा इस थीम को समझ लें कि आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन होता क्या है। आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, के जो कैरेक्टर्स हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं हम, कि ये है आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, ये बुनियाद आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन आपको नजर आ रहा है। हर कैरेक्टर जो है वो किस थीम को शो करता है, हर कैरेक्टर जो है किस एरा को शो करता है, रादर देन के वो कैरेक्टर हिपोक्रिटिकल है, वो अच्छा कैरेक्टर है, गुड कैरेक्टर है, बैड कैरेक्टर है, राउंड कैरेक्टर्स हैं या फ्लैट कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये होता है आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले जो कैरेक्टर आता है ना वो आता है हीरो का कैरेक्टर, द हीरो एंड द एंटी हीरो। यानी कि सब हीरो का एंटी होता है, इसको हम कहते हैं कि ये फॉयल कैरेक्टर होता है। यानी कि हीरो के का जो फॉयल कैरेक्टर होगा ना वो विलन होगा, यानी कि ऐसा कैरेक्टर जो कि दूसरे कैरेक्टर के ट्रेट्स को हाईलाइट कर दे, उसकी क्वालिटीज को हाईलाइट कर दे। इससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाया था कि एलेगरी क्या होती है। एलेगरी एक ऐसी स्टोरी को कहते हैं कि उसके जो इवेंट्स होते हैं वो किसी और चीज को सिंबलाइज कर रहे होते हैं। यानी कि उसके दो सरफेस मीनिंग्स होते हैं लेकिन उसकी कुछ सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन होती है। सरफेस मीनिंग पे कुछ और होती है लेकिन अंडर हैंड वो कोई रियल स्टोरी होती है या कोई रियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं जिसकी बेस पे एक फिक्शनल स्टोरी क्रिएट की जाती है। फिक्शनल स्टोरी आपको पता ही है, ठीक है, एक फिक्शनल स्टोरी होती है और एक रियल स्टोरी होती है। तो सरफेस लेवल पे अगर हम देखें तो हमें पिलग्रिम प्रोग्रेस एक फिक्शनल स्टोरी लगती है, लेकिन ऑन द डीपर लेवल इट इज अ रियल स्टोरी ऑफ बनियान हिमसेल्फ। यानी कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, बनियान की अपनी लाइफ के ऊपर, उसकी अपनी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब आता है आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। अब इसमें हर कैरेक्टर टू कैरेक्टर कहा जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, इसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। बीए लेवल पे आपके पास नोट आ जाता है जी फलाने कैरेक्टर के ऊपर आप नोट लिखें, ठीक है, तो हम सिंपल सा लिखते हैं भाई ये कैरेक्टर था। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड मैन एंड द सी को अगर हम देखें तो ओल्ड मैन को हम वैसे ही लिख देते हैं, वो ओल्ड मैन था, वो मछलियां पकड़ने गया और ये वो। बट व्हाट इज द सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन? सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन कैरेक्टर की क्या होगी कि कैरेक्टर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। अब यहाँ पे आपने कैरेक्टर को ये नहीं लिखता कि एक बादशाह था और वो जो है वो उसके दो बेटे थे और वो जी अपनी फैमिली के साथ बड़ा खुश रहता था, वो बड़ा जालिम था या फलाना था ढमकाना था। ये आपका बीए लेवल होता है। जब आप मास्टर्स लेवल के ऊपर आ जाते हैं अब आपने क्रिटिकल स्टडीज करनी होती हैं। अगर आप कैरेक्टर को भी देखें तो आप उसकी क्रिटिकल स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब आप एक ड्रामा देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो आपको हीरो नजर आता है, आप कहते हैं जी हीरो आया, हीरोइन ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये वो, ये अब आपका बीए का लेवल है। लेकिन जब आप मास्टर्स लेवल पे आते हैं फिर आप कहते हैं ये कैरेक्टर फलानी थीम को सिंबलाइज कर रहा है, इसके जो मिजाज हैं वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तो उसके फैमिली बैकग्राउंड को शो कर रहा है। तो वो एक जो ड्रामा लिखा जाता है या वो एक पोइट्री जो होती है उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी कहानियां चल रही होती हैं, तो हमने एक्चुअली उसके डीप मीनिंग्स को निकालना होता है उस कैरेक्टर को, इसको कहते हैं हम आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, जो कि प्लॉट, प्लॉट कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट को, ठीक है, कहानी के एक के बाद दूसरा जो इवेंट आता है ना उसको हम कहते हैं प्लॉट। ठीक है, प्लॉट को डेवलप करने के लिए कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेयल, उसको खूबसूरती से बनाना, इसको हम कहते हैं दैट इज द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। और अगर फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर बिल्कुल ही लावर से होंगे, अजीब से होंगे, अब कहने को बादशाह है, ठीक है, लेकिन आपने उसको फटे पुराने कपड़े पहना दिए, तो इज दिस द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन? नहीं। आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में जो राइटर होता है उसने देखना होता है कि कैरेक्टर ट्रू टू टाइप भी है, ट्रू टू लाइफ भी है,
ट्रू टू टाइप, यानी कि अगर वो बेगर है तो उसको बेगर लगना चाहिए, अगर वो बादशाह है तो उसको बादशाह लगना चाहिए, ठीक है, दैट इज द आर्ट ऑफ। फिर उसकी लैंग्वेज वो भी बताती है कि अगर बादशाह है तो उसने ब्लंटली बोलना है, अगर बेगर है तो उसने मीनली बोलना है, ठीक है, वो बड़ा मीकली बड़ा हम्बली इस तरह से ट्रीट करता है। अगर विलन है तो वो किसी को लूट लेगा, ठीक है, किसी की चोरी कर लेगा, तो दैट इज बेसिकली द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। तो हमने क्या करना होता है, जब हमारे सामने आता है ना बनियान्स कैरेक्टराइजेशन, बनियान ने कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे किया, ठीक है, उसने किस तरीके से कैरेक्टर्स को डिफाइन किया, और वो कैरेक्टर्स जो हैं क्या डिफाइन कर रहे थे, क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमने ये बताना है, ठीक है। हमने खाली कैरेक्टर्स की समरी नहीं लिखनी, बनियान ने कैरेक्टर को किस तरीके से और कितनी खूबसूरती से बनाया है हमने ये बताना है, ठीक है। इसको कहते हैं एक राइटर का आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन या बनियान्स कैरेक्टराइजेशन इन पिलग्रिम प्रोग्रेस। बनियान्स द पिलग्रिम प्रोग्रेस ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोज फिक्शन। द बुक हैज नो अदर मेजर सोर्सेज देन द बाइबल, ऑल्दो नो नॉट अ नॉवल इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, इट्स रोमांटिक फर्नीचर ऑफ humorously nature natural scene forecast and realistic novel of manner which flourishes in 18th century. Bunyan was accomplished with an excellent discerning of person character, and it is the keen power of insight which gives permanent value to his work. The Pilgrim Progress is remarkable for the reality of its impersonifications and for the rapidity and power with which its characters are drawn. They are no more shadowy abstraction moving about in a mystical region far away from us, but real men, women living in our own everyday world, people somewhere around us. अब क्या है यहाँ पे, वो बता रहा है कि पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है अपने पर्संस के लिए, उनकी रियलिटी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, और उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो इतनी उनके अंदर रैपिडिटी और पार है, और फॉर द रैपिडिटी एंड पार विद विच इट्स कैरेक्टर आर ड्रॉन, ये सिर्फ शेडोई एब्स्ट्रैक्शंस नहीं है, सिर्फ फिक्टिशियस कैरेक्टर्स नहीं है अबाउट इन अ मिस्टिकल रीजन फॉर अवे फ्रॉम अस, बल्कि ये रियल मैन है और वीमेन है जो कि हमारी एवरीडे वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, उसके जो कैरेक्टर हैं, पीपल समवेयर अराउंड अस बाय अ फ्यू स्ट्रोक ओनली, समटाइम्स बाय द मेयर मेंशनिंग ऑफ अ नेम एंड एब्स्ट्रैक्शन राइजेस अप बिफोर द रीडर क्लॉथेड इन रियल फ्लैश एंड ब्लड, और कुछ स्ट्रोक बाय अ फ्यू नहीं बट अ फ्यू स्ट्रोक्स ओनली, Sometimes by the mere mentioning of a name, ठीक है, बाज़ औकात वो क्या करता है अपने कैरेक्टर्स को किस तरह से पोर्ट्रे करता है, या तो उसने उनका सिर्फ नेम मेंशन किया, यानी कि नेम ही सिंबलाइज कर देता पूरे के पूरे कैरेक्टर को, जैसे जो है हमने देखा कि प्लायबल था और क्रिश्चियन था, इसी तरह हमने आगे भी जितने भी कैरेक्टर्स देखे, जितनी भी एब्स्ट्रैक्शन देखी, वो हमारे सामने जो है rises up before us, the reader clothed in real flesh and blood, जैसे वो reality, real like characters थे, कहने को वो fictitious characters थे, लेकिन बनियान ने उनको इतना खूबसूरती से portray किया कि हमें वो real लगने लगे, तो यहाँ पे characterization, the reader feels it's, so even it is an allegorical work, the reader feels its element, characterization near his conscious does easily accept them. As the author's apology for his book states, we come around the point when the author had first taken up his pen. He had no intention of writing an allegory. In fact, he had quite an other purpose in mind. ठीक है, और जो है उसकी intention नहीं थी कि वो एक allegory लिखे, but in fact उसका एक और पर्पस था मरने, बट सो मेनी आइडियाज अबाउट द वे टू ग्लोरी क्राउडेड इन टू बनियान्स हेड दैट ही रिजॉल्व टू सेट देम डाउन, ठीक है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो कि वो सेट डाउन करना चाहता था। द आउटकम वॉज द फास्ट फ्लेमिंग फीचर्स लाइक हिज कैरेक्टराइजेशन विच रिक्वायर्स एम्पल एंड एडमायरेशन।
As for his characterization in Pilgrim Progress in part one, Banyan has manifested his talent for excellence. ठीक है, उसने जो है पार्ट वन के अंदर हम देखें तो उसका टैलेंट पर एक्सीलेंस जो है हमें नजर आता है. ही यूज्ड द बाइबल एज टू ड्रॉ आउट एलिमेंट्री मटेरियल फॉर द फ्रेमवर्क और फाउंडेशन. ही हाइटन्स देम विद इट. इट कुड बी सेफ टू अज्यूम दैट पिलग्रिम प्रोग्रेस कैरेक्टर्स आर अ मॉडर्न वॉइस ऑफ बाइबलिकल वर्ल्ड. अब यहाँ पे देखें, हम कैरेक्टर पोर्ट्रियल की बात करेंगे, इसी को हम आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन कहेंगे. इन शॉर्ट आप लिखें कि हिज कैरेक्टर्स वर ट्रू टू टाइप. His characters were true to life. ठीक है, वो true to type भी थे और वो true to life भी थे. एक तरफ वो characters portray करता है जो कि fictitious है. On the other hand, those were the characters जो कि हमें represent करते हैं the realities of life. उसने through fictitious characters realities of life को portray किया है. ठीक है, ये जो है मॉडर्न वॉइस थी बाइबलिकल वर्ल्ड की, उसके जो कैरेक्टर्स थे. ऑन द अदर हैंड वो एक मॉडर्न वॉइस थी बाइबलिकल वर्ल्ड की. इट इज दिस पार्ट विच हैज डेक्सटेरियस कैरेक्टराइजेशन स्पेशली. ठीक है, और यही वो पार्ट था जिसमें हमें डेक्सटेरियस कैरेक्टराइजेशन जो है वो नजर आती है. इट इज ऑल प्रेज सेक्शन फॉर अ मेमोरेबल characters bearing two-sidedness. ठीक है, और ये जो है एक all praise section था memorable characters का जो कि two-sidedness को bear करते हैं, the world and the religion. ठीक है, अब ये वो characters थे जो कि memorable characters थे जो two-sidedness को show करते हैं, और वो two-sided क्या चीजें हैं, the world and the religion. ठीक है, ये दो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है जो कि एक इंसान को कंप्लीट करता है. खाली दुनिया का हो जाना या खाली दीन का हो जाना, दैट इज नॉट द डिलेमा ऑफ लाइफ. ठीक है, असल में उसने एक इंसान के दोनों रुख दिखा दिए कि इंसान की जिंदगी में दुनिया से लेके एक सेलेस्टियल सफर उसकी प्रोग्रेस क्या होती है, और हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसने जन्नत में जाना है. लेकिन जन्नत के रास्ते पे तो फिर कोई कोई चलता है प्लायबल की तरह, या तो ऑब्स्टिनेट की तरह. हम लोग भी ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं, प्लायबल की तरह हम थोड़ी सी हिम्मत करते हैं तो जहां पे दीन आसान होता है उसको फॉलो कर देते हैं, जहां पे मुश्किल होगा वहां पे हम छोड़ देंगे. तो दैट इज ऑल द थिंग जो कि यहाँ पे हमें इन कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाया गया है. As said, we notice that Banyan's characters speak reality, although personified, they are depiction of keen power of insight into human nature. ठीक है, और उसके characters क्या depict करते हैं? अब देखें बार बार art of characterization में क्या रहा, वो depict क्या करते हैं. ठीक है, वो symbolize क्या कर रहे हैं, वो characters speak कैसे कर रहे हैं, उनका attire, उनका dress कैसा था. ठीक है, और उनका अगर ड्रेस भी है तो वो क्या शो कर रहा है, अगर उसका नेम है तो वो क्या शो कर रहा है. तो दैट इज बेसिकली द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के बनियान्स के कैरेक्टर जो हैं, अगर वो बोलते भी हैं तो वो रियलिटी बोलते हैं. ऑल द पर्सोनिफाइड दे आर अ डिपिक्शन ऑफ कीन पावर ऑफ इनसाइट इनटू ह्यूमन नेचर. ठीक है, ऑल्दो इनको पर्सोनिफाई किया गया. अब आप ये देखें, प्लायबल है, प्लायबल इज जस्ट अ थीम. ठीक है, अगर ऑब्स्टिनेट की हम बात, ऑब्स्टिनेट किसे कहते हैं, एक एरोगेंट इंसान को कहते हैं जो बस वो अपने ट्रेडिशंस के साथ स्टिक रहता है, ऑब्स्टिनेट. उसने इस वर्ड को पर्सोनिफाई कर दिया. व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफाई करना किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन ट्रेट्स दे देना. जैसे हम कहते हैं ना, चांद जमीन पे उतर आया. ठीक है, तो बेसिकली हम चांद को क्या कर रहे होते हैं, पर्सोनिफाई कर रहे होते हैं. ठीक है, इसी तरीके से हम बहुत सारी और भी जिंदगी में बातें करते हैं कि हम इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाई कर रहे होते हैं. यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मोबाइल है ये वहां से चला और यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने इसको ह्यूमन ट्रेट्स दे दिया, अब मैंने इसको पर्सोनिफाई कर दिया. ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ह्यूमन ट्रेट्स दिए, और दैट इज बेसिकली द पर्सोनिफिकेशन. ठीक, बाज़ोकात हम ऐसे भी कह देते हैं कि दरख्त कुछ इस तरह से लगे मुझे कि जैसे उनकी आंखें और वो मुझे देख रहे हो. ठीक, तो अब ये क्या है, दरख्तों को मैंने क्या कहा कि उनकी आंखें और वो मुझे जैसे देख रहे हो, तो मैंने दरख्तों को पर्सोनिफाई कर दिया.
ठीक, तो इसको कहते हैं परसोनिफिकेशन। तो उसने क्या किया, कुछ वर्ड्स लिए और उनको परसोनिफाई कर दिया, लाइक क्रिश्चियन, लाइक ऑब्स्टिनेट, लाइक प्लायबल। ठीक है, ये सारे क्या थे, ये वो वर्ड्स थे जो इसने परसोनिफाई किया, उनको ह्यूमन ट्रेट्स दिए। ठीक, इसी तरह टॉकेटिव, ठीक है, टॉकेटिव भी एक इंसान था जो बातों में लगा लेता था। ठीक है, और टॉकेटिव क्या है, बेसिकली ये एक जो है एडजेक्टिव है ना, टॉकेटिव है जी वो। ठीक है, एक एडजेक्टिव को उसने परसोनिफाई कर दिया, ह्यूमन ट्रेट्स दे दिया, उसको कैरेक्टर ही बना दिया। दे आर अ डिपिक्शन ऑफ कीन पावर ऑफ इनसाइट टू ह्यूमन नेचर विद बोथ क्वालिटीज बैड एंड गुड। वी डिस्कस इंडिविजुअली नो कैरेक्टर एंड एग्जामाइन इन द लाइट ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन। उसके जो कैरेक्टर्स थे वो इंडिविजुअल भी थे, ट्रू टू टाइप भी थे, ट्रू टू लाइफ भी थे। ठीक है, आप ये पॉइंट्स लिख लें, हिज कैरेक्टर्स वर ट्रू टू टाइप, ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू, और सेकेंडली वो, थर्डली वो क्या थे, वो इंडिविजुअल इन इटसेल्फ थे, अपनी मिसाल आप थे, हर कैरेक्टर उसने इंडिविजुअली पोर्ट्रे किया हुआ था। टॉकेटिव को देखते हैं, मिस्टर टॉकेटिव इज वन ऑफ द बेस्ट फिगर व्हिच बनियान हैज ड्रॉन, ही इज वन हु विद स्क्रिप्चर एट हिज फिंगर टिप। स्क्रिप्चर्स जो हैं, होली स्क्रिप्चर्स जो हैं, वो तो उसके फिंगर टिप्स पे थे, इज रीड टू टॉप ऑल ऑफ हेवनली और अर्थली थिंग्स, बट थ्रू क्रिश्चियन वी कम टू रियलाइज हिज एक्सपीरियंस, हिज एक्सपोजर। ठीक है, कैसे वो एक्सपोज होता है उसके सामने। टॉकेटिव हैज नो रियल रिलीजन इन हिज हार्ट, होम और कन्वर्सेशन, व्हाट ही ओनली पोजेसेस लाई इन हिज टंग। जो वो पोजेस करता था वो उसकी जबान में था। वो कहते हैं ना, एक अल्लामा इकबाल का शेर है ना, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का काजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। ठीक है, तो हम सारे जो हैं वो गुफ्तार के तो काजी हैं, बातें हमसे जितनी मर्जी करा लो, हमें दीन दुनिया सारा आता है, लेकिन किरदार के काजी हम नहीं है। ठीक है, किरदार के काजी जो हैं वो हम नहीं है। तो बेसिकली टॉकेटिव द सेम, टॉकेटिव जो था वो वही पर्सन था जो अल्लामा इकबाल ने पोर्ट्रे किया था। हिज रिलीजन देन इज टू मेक अ नॉइस देयर। तो उसके लिए रिलीजन जो था, इल्म तो था बट अमल नहीं था, और उसका जो रिलीजन था सिर्फ उसकी बातों तक ही था। ऑल दैट ही हैड लाइथ इन हिज टंग। ठीक है, जो भी था वो झूठ बोलता था, एंड हिज रिलीजन इज टू मेक अ नॉइस देयर विद। ठीक है, ये इसकी कोट है, इसको याद कर लीजिएगा। इन दिस कैरेक्टर वी फिगर आउट दैट द ऑथर फाइंड्स रियल लाइफ सीड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनी अ मैन इज लाइक टॉकेटिव, बहुत से लोग टॉकेटिव की तरह ही होते हैं, हु कैन टॉक ऑन एवरी मैटर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हर मैटर ऑफ वर्ल्ड पे बात तो कर लेते हैं, बट वेन इट इज टू ऑथेंटिकेट द एक्शन एंड द स्पीच ही इज पॉम्पस। लेकिन जब बात अमल की आती है और स्पीच की आती है तो वो पॉम्पस फूल बन के रह जाता है। ठीक है, पॉम्पस होता है, पलट जाता है। फेथफुल को देखते हैं, फेथफुल स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज टॉकेटिव थ्योरीज एंड केम। अब देखिए, फेथफुल इज द फॉयल कैरेक्टर ऑफ टॉकेटिव। ठीक है, फेथफुल जो है ये फॉयल कैरेक्टर था नॉट ओनली टॉकेटिव का, बल्कि बाकी जितने भी कैरेक्टर्स जो कि आगे नहीं चल सके, फेथफुल उन सब का फॉइल कैरेक्टर था। क्योंकि दो कैरेक्टर्स थे जो अपने मकसद में कामयाब हुए थे, फेथफुल एंड पे शहीद हो गया था। ठीक है, मर गया, मतलब अगर वो मर गया था तो वो शहीद हुआ, और क्रिश्चियन जो है वो सेलेस्टियल सिटी तक पहुंच गया था। फेथफुल जो है शहादत के थ्रू सेलेस्टियल सिटी पहुंच गया, और जो क्रिश्चियन होता है वो अपनी करेज के थ्रू जो है वो सेलेस्टियल सिटी पहुंचता है। अच्छा, यहाँ पे देखें, जितने भी कैरेक्टर्स थे ना, जो ऑपोजिट कैरेक्टर्स थे वो फॉयल थे टू फेथफुल एंड अ क्रिश्चियन। क्रिश्चियन के सामने एक एम था, ठीक है, एम ऑफ लाइफ था। बाकी जितने भी लोग थे ये बातों में तेज थे, लेकिन इनका एम ऑफ लाइफ कुछ नहीं था। दे वर लिविंग जस्ट लाइक अ फन चीची, जैसे हम लोग रह रहे होते हैं, हमारा एम ऑफ लाइफ कुछ नहीं होता, बस जो गुजर गया सब गुजर गया, खा लिया पी लिया जी लिया और मर गए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो जस्ट इसी तरह से 2% होते हैं, जैसे 100% में से 2% या 1% फेथफुल और क्रिश्चियन थे। ठीक है, तो ये क्या है, टॉकेटिव है या ऑब्स्टिनेट है या प्लायबल है, ये सब फॉइल कैरेक्टर्स किसके, फेथफुल और क्रिश्चियन के, क्योंकि ये ऑपोजिट है देन फेथफुल। ठीक है,
तो इनकी वजह से जो प्रीवियस कैरेक्टर्स होते हैं वो हाईलाइट हो रहे होते हैं। अगर जो वो इवल कैरेक्टर है तब भी वो हाईलाइट होगा, और अगर वो गुड कैरेक्टर है तब भी वो हाईलाइट होगा। तो दिस इज द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के जो राइटर होता है वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली फेथफुल स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज टॉकेटिव, ठीक है। उसकी थियोरीज एंड केम टू बी अ कंट्रास्ट टू ऑल फॉर्म, और वो कंट्रास्ट था, मैंने कहा ना कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है वो। हमेशा जो कैरेक्टर्स बनते हैं वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट पे बनते हैं, ठीक है। तो उसने फेथफुल के कंट्रास्ट में या बुरे कैरेक्टर्स के कंट्रास्ट में फेथफुल को रखा था, इसको हम यू भी कह सकते हैं। वी गेट अ बेटर ऑफ हिम लॉन्च आउट इन टू लेंथी सर्मन इन हिज क्रिटिसिज्म, लाइक हिज नेम ही इज फेथफुल टू रिलीजन एंड सोल, और अपने नेम की तरह वो फेथफुल था रिलीजन और सोल दोनों में। इन दिस कैरेक्टर अगेन बनियान एक्सट्रीम मास्टरी शोज इट्स रूट, फेथफुल डज नॉट हैव एनी वर्ल्डली फियर, ही इज वन हु इज फेथफुल इवन इन क्रिटिसिज्म ऑफ समवन। व्हेन फेथफुल हैविंग मेट क्रिश्चियन गिव्स अ लॉन्ग अकाउंट ऑफ व्हाट ही हैज सफर्ड, वी एस्टिमेट द डेल्विंग इनसाइड ऑफ बनियान, ठीक है। जब फेथफुल जो है वो मिलता है क्रिश्चियन से तो एक लॉन्ग अकाउंट ऑफ व्हाट ही सफर्ड, एक लॉन्ग अकाउंट हम देखते हैं, एक लंबी कहानी है, एक लंबा सफर है कि उसने क्या सफर किया। वी एस्टिमेट द डेल्विंग इनसाइड ऑफ बनियान, और यहाँ से हम एस्टिमेट लगाते हैं उस डेल्विंग इनसाइड जो कि बनियान ने इंसानों के अंदर देखी। उसने अब देखें ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअली बनियान्स इनसाइट इनटू ह्यूमन साइकी को रिप्रेजेंट करती है कि ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेंटालिटी। और फिर बनियान का ये कहना था कि अगर फेथ नहीं है तो इंसान भी कामयाब नहीं है। तो उसने जो है फोकस किया है थ्रू हिज कैरेक्टर्स कि फेथ का होना कितना ज्यादा जरूरी है एक इंसान के अंदर। जितना उसका फेथ ज्यादा होगा उतना वो बेस्ट फाइट कर सकेगा। इफ फेथ गोज एवरीथिंग गोज, इंसान बगैर ईमान के एक्चुअली इंसान की जो जंग है जब वो पैदा होता है लहद से महद तक, वो उसकी जो है ना ईमान को बचाने की एक जंग है, ठीक है। और बहुत से लोग इसी ईमान को बचा नहीं पाते, दुनिया तो बना ही लेते हैं लेकिन ईमान नहीं बचा पाते, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द थिंग कि बनियान ने किस तरीके से दिखाया है कि डिफरेंट लोग जब उनके सामने हर्डल्स आती हैं तो वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फेथ। उनके फेथ का जितना लेवल होगा वो उतना ही बिहेव करेंगे। इफ दे हैव नो फेथ दे हैव नो लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे वो दिखाता है ही इज ऑल्सो आर राउंड कैरेक्टर, और ये एक राउंडेड कैरेक्टर था। अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं एक राउंड कैरेक्टर्स होते हैं। राउंड कैरेक्टर्स में हमेशा ये मेन कैरेक्टर्स होते हैं जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं, और इसके अंदर डिवेलपमेंट ऑफ कैरेक्टर दिखाई जाती है, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कैरेक्टर्स डिवेलप होते हैं, ठीक है। इनके अंदर चेंजिंग्स आती हैं, इनके सामने हर्डल्स आती हैं, ये फाइट करते हैं, पूरी कहानी इन कैरेक्टर्स के गिर्द घूम रही होती है। जो फ्लैट कैरेक्टर है ना, फॉर एग्जाम्पल एक सर्वेंट है ना, वो फ्लैट कैरेक्टर है, वो वैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पे अगर हम क्रिश्चियन की वाइफ की और बच्चों की बात करें तो वो फ्लैट कैरेक्टर्स थे, वो जैसे थे वो वैसे ही रहे, नो चेंज इन देम। बट जो राउंड कैरेक्टर होता है विद द पैसेज ऑफ द स्टोरी या स्टोरी के साथ साथ उसके क्लाइमेक्स के साथ साथ इनके अंदर चेंजिंग्स आती हैं, ये फाइट करते हैं, पूरी कहानी इनके गिर्द घूम रही होती है। तो ये राउंडेड कैरेक्टर था, ठीक है। व्हाट ही पैशनेटली एक्सपेल्ड टू शेम इज अ मिरर ऑफ बनियान्स हैंडलिंग द कैरेक्टर एप्ली, और क्या उसने ही पैशनेटली एक्सपेल्ड टू शेम अ मिरर, ठीक है, ऑफ बनियान हैंडलिंग दिस कैरेक्टर, के किस तरीके से उसने पैशली एक्सपेल किया टू शेम। अच्छा, उसके बाद बट आई टोल्ड शेम वॉज बट इन वेन टू अटेम्प्ट फर्दर इन दिस बिजनेस फॉर दोज थिंग्स दैट ही डिसडेन इन दोज डिड आई सी मोस्ट ग्लोरी। और वो कहता है कि बट आई टोल्ड शेम, मैंने शेम को बताया था, इट वॉज बट इन वेन, ठीक है, कि वो था लेकिन सब इन वेन टू अटेम्प्ट फर्दर इन दिस बिजनेस।
सब उसका कोई फायदा नहीं फॉर दोज थिंग्स दैट ही डिसडेन, क्योंकि हर चीज को वो उन चीजों को उसने डिसडेन कर दिया था, डिसडेन यानी कि हिकारत हकीर समझा था, इन दोज डेट आई सी मोस्ट ग्लोरी, उन चीजों को उसने हकीर समझा जिनके अंदर मैं ग्लोरी देखता हूँ। शेम बेसिकली क्या, कौन सा कैरेक्टर था? शेम इज द कैरेक्टर जो कि दीन का मजाक उड़ाने वाला था, ठीक है? तो वो जो है इस वजह से उसको शेम कहा कि वो कहता है कि भाई आई टोल्ड शेम इट वॉज, मैंने शेम को बताया था कि इट वॉज, कि दैट इज बेसिकली द लाइफ, ठीक है? बट इन वेन टू अटेम्प्ट फर्दर इन दिस बिजनेस। बाज लोग होते हैं ना वो सुमन बुकमन फाहमला यर्जियून, ठीक है, अमलम तुंजिर हमला, मतलब वो क्या है कि आप इनको डराएं या ना डराएं ये नहीं मानेंगे, ठीक है? अमलम तुंजिर हम फाहमला फाहमला यर्जियून, ठीक है, आप इनको डराएं या ना डराएं ये नहीं मानेंगे, ठीक है? सुमन बुकमन फाहमला यर्जियून, सॉरी अमलम तुंजिर हम, ये जो आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं नबी वसल्लम को कि भाई आप इनको डराएं या ना डराएं, ठीक है, ये सुमन है, ये बुकमुन है, ये उमियुन है, ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, ये नहीं पढ़ लेंगे। तो बाज लोग क्या होते हैं, उनको जब आप राइट चीज दिखाते हैं ना तो वो उसके अंदर कीड़े निकालने लग जाते हैं। तो शेम इज बेसिकली दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। उसके बाद है क्रिश्चियन। ऑल द क्रिश्चियन कैरेक्टर्स इज मोस्ट एट हैंड फिगर इन दिस कैरेक्टर इज द सेम ग्रिपिंग, ठीक है? फिर हम क्रिश्चियन का जो मेन हीरो जो ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ठीक है, क्रिश्चियन कैरेक्टर जो है मोस्ट एट हैंड फिगर, हिज कैरेक्टर इज द सेम ग्रिपिंग, हिज एडवेंचर्स विद हिज क्राइंग ऑफ एटर्नल लाइफ, ठीक है? उसकी एडवेंचर कहाँ से शुरू होती है? क्राइंग्स ऑफ एटर्नल लाइफ, कि मुझे अब वो एटर्नल लाइफ चाहिए। और हर इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है, बाद लोग हज पे जाते हैं बड़े बुरे तरीके से शैतान को कंकरियां मारते हैं कि हमने अब वापस पूरे रास्ते पे नहीं आना, लेकिन जैसे ही वहां से हाजी बन के निकलते हैं तो उसके बाद फिर वैसी लाइफ हो जाती है। टू इज क्रॉसिंग द रिवर आर टू स्पीक ऑफ अ क्रॉस कॉमन क्रिश्चियन, दस क्रिश्चियन हैज ऑल दिस टाइप टिपिकल क्वालिटीज, फॉर्मली नेम ग्रेसलेस, क्रिश्चियन इज डिस्ट्रेस, ठीक है, फॉर्मली नेम ग्रेसलेस, क्रिश्चियन जो है वो डिस्ट्रेस में था, ही फॉल्स राइजेस फैटर्स एट मेनी प्लेसेस, ठीक है, फॉल करता है फिर राइज करता है, फैटर कई जगहों पे वो उसको गुलाम बना लिया जाता, फंस भी जाता है एट मेनी प्लेसेस, इट डज पोर्ट्रे हिम इन अ कॉमन टेंडेंसी टू रिलीजन, ही आल्सो नीड्स सच अ मैन एज मिस्टर वर्ल्डली वाइज मैन हु एडवाइज हिम टू सीक मिस्टर लीगैलिटी, समटाइम्स ही इज डिजर्टेड बाय हिज कॉमराड्स, ठीक है, अपने साथियों की वजह से वो डिजर्ट हुआ, उसको काफी नुकसान हुआ, एट अदर टाइम्स इज लिफ्टेड बाय द पीपल लाइक हेल्प, अगर एक तरफ से वो डिजर्ट होता है कॉमराड अपने साथियों की वजह से, किसकी वजह से वो दलदल में फंस गया था, ठीक है, प्लाइबल के साथ जाता है ना दलदल में फंस जाता है, तो ना ऑस्टिनेट उसका साथ देता है ना प्लाइबल उसका साथ देता है, कौन उसका साथ देता है, हेल्प उसको उस मड से निकालता है, उस दस क्रिश्चियन कैरेक्टर मेक्स अ सॉलिड आउटलाइन ऑन बनियान साइड, द ऑथर सर्टेनली इंप्रेसेस अस बाय दिस कैरेक्टर स्केच। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस कौन सा कैरेक्टर था? अब देखिए ये सारे पर्सोनिफाई हुए हैं, इनको ह्यूमन ट्रेट्स दिए हुए हैं। इग्नोरेंस इज एन अदर आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट ऑफ द ऑथर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, बाय दिस कैरेक्टर वी आर गिवन इन सब्सटैंशियल एस्टिमेट ऑफ द जियोपर्डाइजिंग एंड हैजर्डस ट्रेट्स ऑफ मैन, ठीक है, इस कैरेक्टर के थ्रू हमें क्या सब्सटेंशियल एस्टिमेट नजर आता है किसका, जियोपर्डाइजिंग एंड हार्डेस्ट ट्रेट्स ऑफ मैन, इंसान जो हर वक्त जियोपर्डी में होता है, हैजर्डस ट्रेट्स हैं इंसान के। इग्नोरेंस किसे कहते हैं, आपने कभी वो पढ़ा है इग्नोरेंस इज सिन, ठीक है, जाहिल इंसान होता नहीं है, इंसान जानबूझ के जाहिल हो जाता है, ठीक है, हमें सारा कुछ पता होता है बस हम उस कबूतर की तरह होते हैं जिसके सामने बिल्ली आए और वो आंखें बंद कर लेती हैं, तो दैट इज बेसिकली द इग्नोरेंस, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप दो रोड्स पे जा रहे हैं, वन वे रोड है, ठीक है, और अगर आप इग्नोर्ड है कि भाई आप दूसरे रास्ते से चले जाते हैं तो चलान तो होगा ना, तो बिकॉज इग्नोरेंस इज सिन, क्योंकि आप उस रोड पे तो चल रहे लेकिन आप सीख के नहीं चले,
अदरवाइज रोड्स के स्टार्ट में लिखा होता है कि ये जो रास्ता है ये आगे को जाता है और ये पीछे को आता है, ठीक है, ये राइट को जाता है और ये लेफ्ट को जाता है. वी सी दैट द सेल्फ राइटियस कैरेक्टर क्रॉस द रिवर विदाउट एनी डिफिकल्टी. तो हमने ये देखा जो सेल्फ राइटियस कैरेक्टर्स थे वो रिवर अक्रॉस करते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी, असेंड द हिल बट डू नॉट मीट द लीस्ट हार्बिंजर. लेकिन वो जो है क्रॉस तो कर जाते हैं रिवर को विदाउट, लेकिन वो जो है लीस्ट हार्बिंजर को मीट नहीं करते. द रीड ऑन द अदर हैंड इज लेफ्ट विद द विजन ऑफ इग्नोरेंस कास्ट बाउंड इनटू माउंट ऑफ हेल. और वो कहां अपने विजन ऑफ इग्नोरेंस की वजह से वो कहां तक पहुंच जाते हैं, माउंट ऑफ हेल. यानी कि दुनिया के अंदर जिंदगी तो सारों की ही गुजर जाती है, किसी की दौलत समझ के कामयाबी हो जाती है, किसी की किस तरह, यानी कि रिवर तो सारे ही पार कर जाते हैं, बट एट द एंड जो सजा और जजा का मामला है वो आपका जन्नत और दोजख के हिसाब से होता है. Here we comprehend and Bunyan wants people not to be ignorant anytime. हमें कभी भी इग्नोर नहीं रहना at any occasion. He shows ignorance to be largely assailant to one's reputation, worldly or heavenly. और वो शो करता है इग्नोरेंस टू लार्जली असेलमेंट टू वन रेपुटेशन वर्ल्डली और हेवनली. ठीक है, हम जो है क्या है लार्जली इंसान की जो ज्यादा हम क्या है, हम पीपल कॉन्शियस हैं, वर्ल्डली तौर पे हम लोग अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखना चाहते हैं, बट हेवनली से हमें कोई सरोकार नहीं है. अपार्ट फ्रॉम अबव देयर आर ग्रेट मैनी कैरेक्टर ड्रॉन इन पिलग्रिम प्रोग्रेस सच हेड्स एंड एवेंजलिस्ट ऑब्स्टिनेट लायबल गुडविल फॉर्मलिस्ट mistrust, timorous, pity, prudent are all evident of Bunyan's solid word of characterization. Life is eventually personified. अब यहाँ पे उसने life को personify किया. In the Pilgrim Progress, John Bunyan uses the word of Bible and writes them in his own way, led by his interpretation. Yet may take a new flavor. Holy, the book is a pure fiction dealing with the moral values of mankind. It is an allegorical portrayal per excellence. Nevertheless, the book contains some obvious faults, inconsistencies occasionally creep in with result that the allegory frequently breaks down. For instance, the giants and dragons of the second part of the story are relatively jaded and mocked. Feeble-minded reveals for work. Worse qualities than ignorance, yet he is saved and the later is condemned. Tedium is frequently the result of the lengthy discourses, particularly those between Wyandot and his friend, and the one between Hopeful and Christian concerning little faith. Some occasions strike fatal blow to Bunyan's characterization. Weakness of part two, like most sequel, part two is not equal to part one. ठीक है, part two को उतनी नहीं, उसके अंदर कुछ खामियां थी बहुत से, पार्ट वन की इक्वल नहीं थी. द रफ सिंप्लिसिटी इज गॉन एंड ग्रेट हार्ट इज नथिंग बट अ प्रीचर इन डिसगाइज. देन बनियान्स कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रेट हार्ट लॉसेस द चार्म्स ऑफ पार्ट वन. इन दिस रिगार्ड पुट्स जे ए फ्राउड क्रिस्टियाना एंड हर चिल्ड्रन आर tolerated for the pilgrim's sake to whom they belong. They had appealed to our interest on their own merit. We would have been contented to wish them well through their difficulties and to trouble ourselves no further about them. Pilgrim Progress is certainly one of the few books which act as religious bond for the whole of Christendom. As a creator of fictitious personalities, the ever alive character Bunyan has charmed the world by waving them into a story of universal interest and lasting vitality. One writer has gone so far as to term the book the most perfect and complex of fairy tales, and it is perhaps fitting to conclude with the word of Dr. Johnson. This is the great merit of book that the most cultivated man cannot find anything to praise more highly, and the child knows nothing more amusing. ठीक है, ये बेटा आज आपका जो क्वेश्चन है, सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया. अब यहाँ पे देखें, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं. ये देखें, एंड पे जाके इन्होंने किसी और क्रिटिक की कोट लिखी है.
जब भी आपने क्वेश्चन एंड करना है ना, उसमें एंड पे जाके आपने किसी और क्रिटिक की कोट लिखनी है, उससे आपके जो एक क्वेश्चन क्या वेट होता है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है आंसर की, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कोशिश करें किसी और क्रिटिक की कोट लिखें जो उसने बनियान के बारे में लिखी हो, या पिलग्रिम प्रोग्रेस के बारे में लिखी हो, या उसकी राइटिंग्स के या उसके कैरेक्टर के बारे में लिखी हो। तो यहाँ भी हमारे पास दो आ गई हैं। आपको मैंने उस दिन कोट शेयर की थी आपको काफी सारी ग्रुप के अंदर, आप वो कोर्स जो है यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। यहाँ तक अगर अगर किसी का क्वेश्चन है तो बेटा मेरे से पूछ।